शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वेल इंडिया। और लीजिए एक बार फिर मैं हाजिर हूँ टीवी की दुनिया की ताजा हालचाल के साथ। और अगर आप भी जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो देखिए बॉलीवुड गपशप की खास पेशकश सीरियल स्पेशल। वैसे यकीन मानिए, ये जो अवार्ड फंक्शन होते हैं ना, खूबसूरत लोकेशंस पर जाकर हमारे कलाकार अपना फोटो शूट कराते हैं, तो मन करता है उस सीनिक ब्यूटी में हम भी कहीं खो जाएं। वैसे खो तो गई है हमारी सई भी, ना ना ना, वो कहीं फोटो शूट पर नहीं गई है, बल्कि वो तो अपने और उनके, मतलब मेरा मतलब कि विराट के साथ हनीमून पर गई थी। और लीजिए यहाँ गुम है किसी के प्यार में तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ सई जरूर गुम हो गई है। अक्सर ऐसा होता है जब जब सई और विराट एक दूसरे के करीब जब आते हैं, तो इनका एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चलते सई कभी विराट से दूर हो जाती है। अब ऑफिस का ट्रिप तो बहाना था, अब ये तो हम सब जानते हैं कि विराट की शादी की सालगिरह थी, जिसके लिए सई के साथ विराट कहीं बाहर जाना चाहता था। अब सई पहली सालगिरह है और ऊपर से सई को विराट इतना प्यार करता है, तो ये सब करना तो बनता ही है ना। और फिर क्या सई तो ऐसे मानती नहीं, तो विराट ने उसे कंपनी ट्रिप का झूठा बहाना बताया। लेकिन सई को जब इस बात का पता चला तो वो नाराज हो गई, क्योंकि उसे तो लगता है कि उसकी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस शादी में प्यार कैसा, सालगिरह कैसी और कैसा हनीमून। अब उधर शनि भी आ गया और करिश्मा का पति भी, अब सारे मिलकर सई को यहाँ ढूंढ रहे हैं, तो वही सई न जाने अकेले कहाँ भटक रही है और न जाने के सोच में डूबी हुई है। और चलते चलते उसे कुछ बच्चे मिल जाते हैं, और ये वही बच्चे हैं जो सम्राट के साथ रहते हैं। यानी कि अब समझ जाइए कि सम्राट की सम्राट से पहले आवाज तक कोई नहीं मिला था, लेकिन पहली बार सम्राट से अगर कोई मिलेगा तो वो होगी सई। चलिए रेड कार्पेट से अब सीधा पहुंच जाते हैं अनुपमा के सेट पर, जहां पर हमारी पाखी के साथ धोखा हो गया। अब धोखा तो होना ही था, आखिरकार इन्होंने अपना भरोसा भी तो ऐसे इंसान पर कर डाला जो भरोसे के तो लायक ही नहीं है, भाई काव्या पर। और काव्या आखिरी मिनट पर इनको धोखा देकर निकल गई। लेकिन चिंता मत कीजिए, अनुपमा है ना अपनी बेटी का साथ देने के लिए, क्योंकि माँ का प्यार तो अपने बच्चे के लिए कभी कम नहीं होता। और वैसे आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि पूत का पूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। और बस अनुपमा भी अपनी बेटी के लिए यहाँ ढाल बनकर उसके सामने खड़ी हो गई है। वैसे तो अनुपमा छोटे पर्दे का सबसे पॉपुलर धारावाहिकों में से एक है। अब पिछले कई महीनों से इस शो को दबादब टीवी पर हमेशा से कायम रहा है। पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने ये देखा होगा कि काव्या पाखी को अनुपमा के खिलाफ भड़का देती है, और जिसकी वजह से पाखी अनुपमा को अपना डांस देखने से मना कर देती है। अब इसी के साथ काव्या अनुपमा को नीचा दिखाने के लिए कई दाव पेच लगाती है, लेकिन अब उसके चाल में थोड़ा बदलाव आने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि लाख कोशिश करने के बाद भी काव्या अनुपमा और पाखी को अलग नहीं कर पाती है। अब आने वाला एपिसोड बहुत खास होगा, क्योंकि पाखी को काव्या की हकीकत जो पता चलने वाली है। दरअसल हुआ ये कि काव्या को एक अर्जेंट इंटरव्यू का कॉल आ गया, और जिसकी वजह से वो पाखी को बीच मझधार में छोड़कर वहां से चली गई। अब काव्या के जाने से पाखी को बड़ा झटका लगेगा, काव्या का असली चेहरा देखकर वो परेशान तो हो ही जाएगी। अब पाखी, गलती तो आपकी ही है, क्योंकि आपने ही तो काव्या पर इतना भरोसा किया था। अब पाखी की हालत देखकर अनुपमा उसकी मदद करने की कोशिश करती है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है। पाखी पहले ही अनुपमा को अपने डांस कॉम्पिटिशन से दूर करने के लिए बोल चुकी है, और इस वजह से अनुपमा समर का सहारा लेती है और उसे पाखी के साथ डांस करने के लिए भेजती है। और यहाँ पाखी और समर इस कॉम्पिटिशन को जीत भी जाते हैं, और पाखी की जीत से अनुपमा बेहद खुश हो जाती है। और इसके बाद पाखी को जब पता चलता है कि उसकी मदद करने वाली और कोई नहीं बल्कि अनुपमा उसकी माँ है, पाखी की जीत के साथ अनुपमा अपने जीत का भी जश्न मनाती है।
अच्छा कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जिनकी फितरत ही थोड़ी टेढ़ी होती है, वैसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास भी आसानी से उपलब्ध होंगे ऐसे लोग। खैर आप जो भी कर दीजिए, ये तो बस प्रतिज्ञा करके बैठे होते हैं कि भाई हमें तो नहीं मानना। और टीवी सीरियल में तो ये कैरेक्टर बिल्कुल फेमस है, अब सीरियल इमली में ही देख लीजिए, कहां हमें लगा था कि मालिनी सुधर गई है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से कैसे हो सकता है भला। आ गई मालिनी अपनी हरकतों पर वापस और आदित्य को पाने के लिए वो न जाने अब कैसे कैसे हथकंडे अपना रही है, जरा आप भी देखिए। स्टार प्लस के सीरियल इमली की कहानी अब नए मोड़ पर आ गई है, जहां मालिनी और आदित्य एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। वैसे थोड़ा अजीब तो आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि भाई कई हफ्ते तक तो ऐसा दिखाया गया कि इमली और आदित्य एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन अब बाजी मालिनी ने मार ली है। लो भाई ये तो वही बात हो गई कि एक पल में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दी, अरे जिंदगी ही बदल दी। क्योंकि पहले मालिनी ने इमली यानी अपनी सौतेली बहन की खुशी के लिए अपने पति को तलाक देने का मन बना लिया था, लेकिन अब तो वो आदित्य की जिंदगी में एक बार फिर से वापस आ गई है और ये देखकर इमली टूट गई है और आदित्य की जिंदगी से अब दूर जाने का मन भी बना लिया है उसने। अभी तक तो आपने देखा कि मालिनी अब अपने माँ के इशारे और तरीके पर चल रही है, वो अब आदित्य से दूर जाने के बजाय करीब आ रही है। और इधर मालिनी ने भी ये बात ठान ली है कि वो त्रिपाठी हाउस से अपना हक लेकर ही रहेगी, और उधर पूरा परिवार भी चाहता है कि इमली उनकी जिंदगी से दूर हो जाए और मालिनी ही आदित्य की पत्नी बनकर रहे। यहाँ ये हुआ कि इमली ने मालिनी और आदित्य को एक ही कमरे में एक साथ देख लिया। अब देखिए इमली अगर शेर है तो मालिनी यहाँ सवा शेर है। मालिनी अब ऐसा जाल बुनेगी कि इमली उसमें फंसती ही जाएगी और आदित्य से अपने आप ही दूर हो जाएगी। अब मालिनी कॉलेज जा रही है तो आदित्य उसे बाइक पर अपने साथ ले जा रहा है। हाय राम, अब ये देखकर इमली का दिल बुरी तरह से टूट गया है। वहीं इमली के साथ इस तरह के बर्ताव को देखकर मालिनी के पिता देव बिल्कुल नाराज हो गए। अब वो मालिनी से कहेंगे कि तुम इमली के साथ ये बहुत गलत कर रही हो, और देव ये भी कहेंगे कि उस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ इमली का ही साथ देंगे। खैर अब देखना ये होगा कि दो बहनों की लड़ाई में आखिर आगे जीत किसकी होती है। तो ये थी सीरियल्स की दुनिया की ताजा अपडेट। अब चलिए बॉलीवुड गपशप में माया नगरी से बॉलीवुड की हर चटपटी और मसालेदार खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। मोस्ट वेटिंग और इंटरेस्टिंग शो बिग बॉस ओटीटी का बड़े ही शानदार तरह से आगाज किया गया और बिग बॉस के इस घर में 13 सदस्यों की एंट्री भी हो चुकी है। शो में जहाँ 6 कनेक्शन नजर आए तो वही पहले ही दिन दिव्या अग्रवाल अकेले होने की वजह से घर से बेघर होने के लिए सीधे सीधे नॉमिनेट हो गए। खैर ये सब तो होस्ट करण जौहर के सामने स्टेज पर हुआ, लेकिन जो असली ड्रामा हुआ वो हुआ घर के अंदर, जब पहले ही दिन शमिता शेट्टी और स्प्लिट्सविला के फेम प्रतीक सहजपाल के बीच जमकर बहसबाजी देखने को मिली। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में क्या है ये मेलोड्रामा। के स्टेज पर ही प्रतीक सहजपाल ने ये बता दिया था कि वो इस घर में हर किसी से पंगा लेने वाले हैं, और उनकी इस लड़ाई की शुरुआत हुई दो हसीनाओं शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल के साथ। प्रतीक ने दिव्या अग्रवाल को फेक बुलाया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, लेकिन दिव्या से लड़ने के बाद शमिता शेट्टी के साथ भी उनकी लड़ाई हो गई और इन दोनों के बीच खाने को लेकर जमकर भिड़ंत हुई। शमिता शेट्टी, दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सहजपाल की लड़ाई से सभी घर वाले हैरान रह गए। इन दोनों का एक वीडियो भी सामने आया है
जिसमें ये आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शमिता प्रतीक पर चिल्लाती हुई उन्हें बार बार अपने से दूर जाने के लिए कह रही है। इन दोनों की आपस में लड़ाई खाने को लेकर हुई थी। शमिता ने प्रतीक को ताना मारते हुए कहा, आप उन लोगों में से नहीं हैं जिनसे अच्छे से व्यवहार किया जा सके, आप मुझसे दूर रहिए। जब इस शो का आगाज हुआ था और सभी सितारे स्टेज पर थे, उस दौरान भी दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सहजपाल आपस में भिड़ गए थे। उन्होंने जब घर में एंट्री ली तो भी दिव्या पर ताना मारना नहीं छोड़ा। घर के अंदर भी दोनों की जमकर बहस हुई। इन दोनों के बीच का ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिव्या ने लड़ाई में प्रतीक को गाली भी दे दी। प्रतीक सहजपाल ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी विवाद में फंसे हैं। इससे पहले उन्होंने एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स और अपनी पहली गर्लफ्रेंड पवित्रा पुनिया के बारे में भी कई विवादित बयान दिए थे। उन्होंने घर के अंदर जाने से पहले पवित्रा को साइकोटिक, पॉजिटिव और आक्रामक बताया था। प्रतीक के इस बयान पर जवाब देते हुए पवित्रा पुनिया ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं करती जो मेरे लाइफ में नहीं है। बिग बॉस की इस बार की थीम है कनेक्शन, स्टे कनेक्टेड, यानी कि इस बार बिग बॉस के घर में प्रतियोगियों को लंबा टिकना है तो उन्हें एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए रखना होगा। स्टेज से 6 कपल घर के अंदर गए और दिव्या अग्रवाल को अकेले ही इस घर में अंदर जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो पहले ही दिन घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गई। बॉलीवुड में बेबो के नाम से मशहूर करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे तैमूर के नाम पर बहुत बवाल हुआ था, और बस यही वजह है कि सैफ करीना ने दूसरे बेटे के नाम का खुलासा काफी देर से किया। अब कुछ दिनों पहले ये खबरें आई थी कि करीना अपने बेटे को जय बुलाती हैं, लेकिन अब उनके बेटे का असली नाम जो है उसका खुलासा हो गया है। जी हाँ, करीना और सैफ ने अपने छोटे बेटे का नाम मुगल बादशाह जहांगीर पर रखा है, जिनका पूरा नाम जहांगीर अली खान है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब से करीना और सैफ के बेटे के नाम का खुलासा हुआ है, सोशल मीडिया पर एक बार फिर औरंगजेब नाम ट्रेंड कर रहा है। ट्रोलर्स ये कह रहे हैं कि अब तीसरे बेटे का नाम औरंगजेब रख लेना। आपको बता दें, जब करीना के दूसरे बेटे का जन्म हुआ था तब भी औरंगजेब नाम ट्रोलर्स ने ट्रेंड कर दिया था। 2021 के फरवरी महीने में करीना ने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। अब तक ना तो उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर शेयर की है और ना ही नाम का खुलासा किया। करीना और सैफ ने डिसाइड किया था कि वो अपने दूसरे बेबी को लाइमलाइट और सोशल मीडिया से बहुत दूर रखेंगे। आपको बता दें कि करीना ने अपने बुक प्रेगनेंसी बाइबल में बेटे के नाम का खुलासा कर दिया है। करीना की इस किताब के आखिरी पन्ने में उनकी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद की फोटोज भी दिखाई गई है, और उन फोटोज के कैप्शन में करीना ने दूसरे बेबी का नाम जहांगीर बताया है। इस किताब में करीना ने अपने प्रेगनेंसी का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। इस बुक के कुछ पन्नों में करीना ने दूसरे बेटे को जेह कहकर लिखा और आखिरी पन्ने पर जहांगीर नाम का खुलासा कर दिया। इतना ही नहीं, नाम के साथ साथ करीना ने अपने फैंस को एक और बड़ा तोहफा दिया है। जहांगीर नाम के साथ उन्होंने उनकी एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें बेबो अपने लाडले को माथे पर किस करती दिखाई दे रही हैं और जहांगीर गहरी नींद में सोते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस फोटो को शेयर करने के साथ करीना ने लिखा था, मेरी प्रेगनेंसी बुक बिना मेरे बच्चों के अधूरी थी, तुम ही मेरी ताकत हो, मेरी दुनिया और मेरा गर्व हो। बहरहाल करीना और सैफ ने दूसरे बेटे के नाम पर विवाद ना हो इसकी बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रोलर्स ने उनका पीछा कहां छोड़ा। जहांगीर नाम पर भी लोग सैफ करीना को ट्रोल कर रहे हैं, हालांकि तैमूर के मुकाबले इस बार ट्रोलिंग थोड़ी कम है। आपको बता दें कि 2016 में करीना सैफ के बड़े बेटे का नाम जैसे ही खुलासा हुआ था, लोगों को आक्रमणकारी तैमूर लंग याद आ गया था और इस वजह से खूब विवाद भी हुआ था। सोशल मीडिया पर लोगों ने सैफ और करीना को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। अब ऐसे में सैफ करीना दूसरे बेटे के नाम पर बवाल से बचना चाहते थे। बच्चे के जन्म के 6 महीने के बाद उनके नाम का खुलासा हुआ है। उनके दूसरे बेटे जहांगीर के नाम का मतलब है दुनिया का राजा,
भारतीय इतिहास में जहांगीर अकबर का बेटा और मुगल शासक था। मुगल शासक के नाम पर बेटे का नाम रखने से सैफ करीना फिर से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर करीना तो ट्रेंड कर ही रही हैं, साथ में औरंगजेब की भी चर्चा हो रही है। लोगों को जहांगीर के बहाने उसका पोता औरंगजेब याद आ रहा है। आपको बता दें कि करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने साल 2012 में शादी की थी और शादी के बाद ये कपल दो बेटे के माता पिता बन चुके हैं। करीना ने बड़े बेटे तैमूर अली खान को 2016 में जन्म दिया था और 2021 में उनका बेटा जहांगीर अली खान पैदा हुआ। देखिए, दोस्ती का रिश्ता एक बेहद खूबसूरत रिश्ता होता है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो हर जाति और धर्म से परे होता है, और दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे बिना किसी शर्त के दिल से निभाया जाता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता है बॉलीवुड के किंग खान और करण जौहर के बीच। जी हाँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मजबूत दोस्ती फिल्म निर्माता करण जौहर और सुपरस्टार शाहरुख खान की है। लेकिन इनकी मुलाकात कब, कैसे और कहाँ हुई, ये किस्सा बेहद दिलचस्प है। चलिए इस रिपोर्ट में बताते हैं इस दिलचस्प कहानी के बारे में। जी हाँ, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और निर्माता निर्देशक करण जौहर की दोस्ती के बारे में तो सभी जानते हैं। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि ये दोनों पहली बार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सेट पर मिले थे। लेकिन हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान करण ने शाहरुख खान से अपनी पहली मुलाकात के किस्से का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ICSE की परीक्षा पास की थी तो उस वक्त उन्हें आनंद महेंद्र नाम के एक निर्देशक ने इंद्रधनुष नाम के शो में एक किरदार निभाने का ऑफर दिया था। वो ऑडिशन के लिए आनंद महेंद्र के ऑफिस गए थे। उसी ऑफिस के लॉबी में एक व्यक्ति बैठा अखबार पढ़ रहा था, उसके हाथ में चाय का प्याला भी था। जब करण वहां पहुंचे तो उस व्यक्ति ने करण को भी चाय पीने को कहा और बताया कि यहाँ की चाय वाकई बहुत अच्छी होती है। लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद वो व्यक्ति आनंद से मिलने गया। आनंद से मिलकर उसने उनसे कहा कि वो इस किरदार को नहीं करेंगे क्योंकि वो तो फिल्म में काम करना चाहते हैं। करण जौहर के मुताबिक उस वक्त शाहरुख खान ने ये भी कहा कि वो एक दिन सुपरस्टार जरूर बनेंगे, और ये देखकर करण दंग रह गए थे कि शाहरुख खान सिर्फ इतना कहने के लिए ही वहां रुके हुए थे कि उन्हें ये रोल नहीं करना है। साथ ही करण जौहर ये भी बताते हैं कि उस व्यक्ति के आत्मविश्वास ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। करण कहते हैं कि शाहरुख हमेशा से ही आत्मविश्वासी रहे हैं, इसलिए वो इतने कामयाब हो पाए। आपको बता दें कि करण ने शाहरुख खान को अब तक 5 फिल्मों में निर्देशित किया है, जिनमें कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज खान और ए दिल है मुश्किल शामिल है। इसके अलावा करण ने किंग खान की अब तक की सबसे सफल फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक कैमियो में भी किया था। वो उस फिल्म के आर्टिस्ट डायरेक्टर थे। उस वक्त उनकी शाहरुख से गहरी दोस्ती हुई और 1997 में करण के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है में शाहरुख ने लीड रोल किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इंडस्ट्री की उन सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्हें आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके शानदार एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और साथ ही दीपिका में एक और खास बात है, और वो है उनका बेबाकीपन। जी हाँ, दीपिका कई सारी चीजों पर स्टैंड लेती है। बॉलीवुड में भी कई सारे वुमेन सेंट्रिक मुद्दों पर दीपिका ने हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखी है। अब हाल ही में फिर से उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इस वजह से उन्हें इस बार नुकसान भी झेलना पड़ा है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिग्गज फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली बैजू बारवा नाम से एक फिल्म बना रहे हैं, और इस फिल्म में भी संजय ने अपनी सबसे दमदार ऑन स्क्रीन जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को लेने का प्लान किया था। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इस बार बात नहीं बन पाई। दरअसल दीपिका पादुकोण ने फिल्म में अपने को स्टार रणवीर सिंह के बराबर की फीस लेने की मांग की थी, लेकिन ना मिलने की वजह से वो फिल्म से बाहर हो गई। बता दें कि दीपिका ने मेकर से अपने हस्बैंड रणवीर सिंह के बराबर फीस मांगी थी, ना तो 1 रुपए ज्यादा और ना ही 1 रुपए कम। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद बात नहीं बन पाई। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और ज्यादा डिटेल्स भी सामने नहीं आई है। बता दें कि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि संजय लीला भंसाली ने
जब कभी भी रणवीर और दीपिका के साथ काम किया है तो उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी है। तीनों साथ में गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी फिल्मों में काम किया है। इस फिल्म में भी फैंस दीपिका और रणवीर को साथ देखने के लिए एक्साइटेड है। बैजू बावा फिल्म की बात करें तो ये एक म्यूजिकल फिल्म थी और साल 1952 में रिलीज हुई। फिल्म में मीना कुमारी और भारत भूषण लीड रोल में थे और साथ ही फिल्म में ये दिखाया गया था कि कैसे एक युवा बैजू बारबर अकबर के दरबार में महान संगीतज्ञ तानसेन को चैलेंज करता है। वैसे बता दें कि फिल्म के अधिकतर गाने मोहम्मद रफी ने गाए थे और ये सारे गाने सुपर हिट साबित हुए थे। अब इसी फिल्म का रीमेक है संजय लीला भंसाली की ये मूवी बैजू बारबर। मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस OTT पर 27x लाइव है। वहीं शाम 7 बजे से 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड भी स्ट्रीम हो रहा है। शो ने पहले ही दिन से धमाल मचाना शुरू कर दिया। वहीं घरवाले भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब घर में एंट्री के साथ ही दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सहजपाल के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी शो में इमोशनल होती नजर आई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल शो में मूज जाटना ने कमेंट किया जिसकी वजह से अक्षरा सिंह हर्ट हो गईं। उन्हें मूज का ये कमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो रोने लगी। डिनर करते वक्त अक्षरा सिंह आती हैं और बैठती हैं। उस वक्त मिलिंद, निशांत, नेहा, राकेश और प्रतीक के साथ कुछ और लोग भी बैठे होते हैं। अक्षरा बोलती है कि वो मूज के साथ बहुत फ्रेंडली है लेकिन अब वो डिस्टेंस मेंटेन करेंगी। जब इसका कारण पूछा गया तो अक्षरा ने ये कहा, मैंने कैजुअली मूज को डिनर के लिए मिलिंद गाबा को ढूंढने के लिए कहा था। इस पर मूज ने अपशब्द का इस्तेमाल किया और ये मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरे साथ फ्रेंडली है लेकिन मुझे उनका टोन बिल्कुल पसंद नहीं आया। मूज ने मेरे काम को लेकर भी कमेंट किया है, ये जो तुम भोजपुरी गाना वाना गाती हो। मूज इस तरह से बोली। अक्षरा ने कहा, ये अच्छा नहीं है, उनके पास मेरे प्रोफेशन पर कमेंट करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री से मेरी रोजी रोटी चलती है और ये मेरा प्रोफेशन है। आप प्यार से मुझसे कहेंगे तो मैं कुछ भी कर दूंगी लेकिन इस तरह से मुझसे बात मत करिए। ये सब बात करते हुए अक्षरा टॉवल से अपने आंसू पोंछती है। रुद्धिमा उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। मूज ये सब सुनती है और अक्षरा और मिलिंद के साथ क्लियर करने की कोशिश भी करती हैं और साथ ही मूज ये भी कहती हैं कि ये बिल्कुल डिसरेस्पेक्टफुल नहीं था, ये मजाकिया अंदाज में था। इस पर वो मिलिंद से कहती हैं कि इस तरह के जोक्स ठीक नहीं हैं। इसके बाद अक्षरा गार्डन एरिया में जाती हैं और रोने लगती हैं। दिव्या का कहना है कि अगर उन्हें लगता कि इस पर रोने जैसा कुछ है तो अक्षरा को इसे उठाना चाहिए। अक्षरा कहती है कि वो इसे जाने देंगी। मूज एक बार फिर अक्षरा और मिलिंद के साथ बात क्लियर करना चाहती हैं, लेकिन वो बात नहीं करते हैं। वहीं मूज का कहना है कि मैंने अपना साइड क्लियर करने की पूरी कोशिश की लेकिन वो नहीं चाहते। इंडिया का फेवरेट कॉमेडी किंग लॉन्च करा रहा है। जी हाँ, जल्द ही कपिल शर्मा और उनका गैंग अपने सुपर हिट कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो के न्यू सीजन के साथ छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रहा है। इन दोनों कपिल और अक्षय कुमार की खट्टी मीठी नोक झोंक फैंस को खूब एंटरटेन भी कर रही है। अब हाल ही में कपिल विवादों में घिर गए हैं। क्या है कपिल के विवादों की वजह, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हाल ही में कपिल ने अक्षय के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की थी जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री अक्षय कुमार अपनी नई फिल्म बेल बॉटम के लिए आशीर्वाद लेते हुए। कपिल के इस पोस्ट के वायरल होने में देर नहीं लगी, तो वहीं अक्षय ने भी नहले पर दहला मारते हुए लिख दिया और आशीर्वाद के बाद श्री अक्षय कुमार श्री कपिल शर्मा का दिमाग उनके घुटने में ढूंढते हुए। यहां अक्षय ने कपिल का दिमाग उनके घुटने में ढूंढने की बात कही और वहां ट्रोलर्स को कपिल को ट्रोल करने का एक और मौका फिर से मिल गया। वैसे कपिल शर्मा का नाम इससे पहले भी कई बार विवादों से जुड़ चुका है।
इंडिया को हंसाने वाले कपिल शर्मा रातों रात उस वक्त विलन बन गए थे जब सुनील ग्रोवर के साथ हुए उनके झगड़े की खबर आम लोगों तक पहुंची थी। दरअसल कपिल सुनील ग्रोवर के साथ अपनी पूरी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के एक शो करके लौट रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो उस दिन कपिल ने शराब के नशे में सुनील ग्रोवर पर हाथ भी उठा दिया था और जमकर गाली गलौज भी की थी। वो दिन है और आज का दिन है, सुनील ग्रोवर ने कभी कपिल शो में वापसी नहीं की। कहते हैं कि जब सफलता का नशा सर पर चढ़ता है तो वो सही गलत का फर्क मिटा देता है। कुछ ऐसा ही कपिल शर्मा के साथ हो चुका है जब उन्होंने पीएम मोदी से डायरेक्ट पंगा ले लिया था। कपिल ने एक बार बीएमसी अधिकारियों पर 15 लाख रुपए रिश्वत मांगने का इल्जाम लगाया था और अपने ट्वीट में पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा था, 5 साल में 15 करोड़ रुपए का आयकर भरने के बाद भी मुझसे 5 लाख की रिश्वत मांगी जा रही है, क्या यही है अच्छे दिन। कपिल के इस ट्वीट पर काफी बवाल हुआ था। वहीं बीएमसी ने भी एक के बाद एक कपिल की कई गलतियां गिनवा डाली थी। बाद में कपिल ने करण जौहर के शो में कहा था, शराब पीते हुए ट्वीट ना करें। आम आदमी को लाफ्टर डोज देने वाले कपिल शर्मा उस वक्त बुरे फंसे थे जब कपिल ने अपने शो में एक गर्भवती महिला का मजाक भी उड़ाया था, जिसके बाद उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के एक एनजीओ ने कपिल के खिलाफ मामला भी दर्ज करवा लिया था। कपिल अपनी लेट लतीफी के लिए खूब बदनाम हुए थे। कपिल कई बार सुपरस्टार्स को घंटों इंतजार करवाने के इल्जाम भी लग चुके हैं। महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, रानी मुखर्जी और सिंघम अजय देवगन तक को कपिल ने घंटों इंतजार करवाया था। फिल्म बादशाहों की टीम तो कपिल के शो के सेट से बिना शूटिंग के ही लौट गई थी, जिसके बाद कपिल ने सफाई दी थी कि वो तबीयत खराब होने के चलते आज नहीं आ सके थे। जब कपिल शर्मा का नाम एक के बाद एक विवादों में फंस रहा था, उन्हीं दिनों में कपिल ने अपने ही शो की क्रिएटिव डायरेक्टर प्रीति सिमोज पर उन्हें बदनाम करने का आरोप भी लगाया था। कपिल ने प्रीति पर उन्हें ब्लैकमेल करने से लेकर शो देखने आए दर्शकों से पैसे मांगने तक के आरोप लगाए थे और उसी दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ था कि प्रीति और कपिल के बीच लव अफेयर भी चल रहा था। हालांकि कपिल ने उन आरोपों से इनकार किया था और इस विवाद के चलते कपिल की भयंकर किरकिरी हुई थी। बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।